आरसीएमएस पोर्टल पर राजस्व रिकॉर्ड अपडेट नहीं होने से राजस्व अधिकारी डायवर्शन टैक्स की वसूली प्रभावी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्व अधिकारियों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई है। देखिए ये रिपोर्ट। बैठक में कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को डायवर्शन वसूली के निर्देश दिए हैं, लेकिन डायवर्शन खातों का आरसीएमएस पोर्टल पर अपडेट नहीं होना अधिकारियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। वसूली में कानूनी और व्यवहारिक दिक्कतें भी अधिकारियों को महसूस हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी राजस्व अधिकारियों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और पटवारियों को पोर्टल से संबंधित सभी जानकारियाँ दी गई। डायवर्जन के लिए रिकॉर्ड अपडेशन बहुत ज़रूरी है। जब यहाँ पर अलग अलग तहसीलें बनी, रिकॉर्ड अलग अलग हुआ, तो उसके बाद से डायवर्जन का रिकॉर्ड अपडेशन नहीं हुआ है। क्योंकि अब वेब जीआईएस पे सब चीज़ें आनी हैं, तो उसकी रिकॉर्ड अपडेशन करा रहे हैं। काफ़ी एंट्रीज हो चुकी हैं पुरानी समय की, 2019 से पहले की रिकॉर्ड एंट्रीज करानी है हम लोगों को। 2019 के बाद से वेब जीआईएस पे चल रहा है, तो रियल टाइम पे सब एंट्रीज हो रही हैं। ऐसी भी कई प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्होंने एंट्री ही नहीं कराई है और डाइवर्टेड लैंड हो गई है। इन सब पे आज शहर के सारे राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम को ब्रीफिंग की गई है, और इसमें युद्ध स्तर पे डाटा अपडेट भी किया जाएगा और सख्ती से डायवर्जन टैक्स की वसूली भी की जाएगी। डायवर्शन वसूली के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए अपर कलेक्टर राजेश राठौर के अनुसार कई लोग टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है, जबकि कुछ लोग टैक्स देने में आनाकानी करते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करने में आरसीएमएस पोर्टल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। देखिए, रेवेन्यू वसूली बहुत इम्पोर्टेंट है प्रशासन के लिए, तो खास करके जो लैंड रेवेन्यू है और साथ ही साथ डाइवर्टेड लैंड है उसके रेवेन्यू की वसूली के लिए आज हम लोगों ने बात की। उसमें दो इशू था कि 2018 के पहले बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटराइज नहीं थी, उसके बाद रेवेन्यू अकाउंट सिस्टम और आरसीएमएस आ गया तो सारी चीज़ें कंप्यूटराइज हो गई। तो उसके पहले के समय का जो भी डाटा था उसको हमको पोर्टल पे अपलोड करना है, ताकि आम जनता को भी राहत मिल सके। ऐसे लोग जो साधारण नागरिक है और उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, उनको हम लोग सॉर्ट आउट कर सके। साथ ही साथ ऐसे लोग जो कंप्लाइंस में विश्वास करते हैं, टैक्स देने में विश्वास करते हैं, उनको बहुत इजी हो जाए। लेकिन ऐसे कल्पिट्स जो बचते हैं, एविडेंस करते हैं टैक्स का, उनको हम आइडेंटिफाई कर सके और उनके ऊपर एक्शन करके वसूली कर सके। इसी संबंध में हम लोगों ने पूरा ओरिएंटेशन सारे एसडीएम को, तहसीलदार को, आरआई को दिया है। उनकी जो भी फील्ड में उनको दिक्कतें आती है, व्यवहारिक दिक्कतें आती है, लीगल दिक्कतें आती है, उनको भी हमने शॉर्ट आउट करने की कोशिश की। व्यवहारिक और लीगल दिक्कत अधिकतर फेस करते हैं, जैसे कुछ का डाटा जो पुराना है उसको लेके क्वेश्चंस थे कि सर पहले कोई और खातेदार था, आज कुछ और खातेदार हो गया। तो हमने उनको ये बताया कि जो भी डाइवर्शन होता है वो लैंड का होता है, खातेदार का नहीं होता, तो वो शॉर्ट आउट हो गई है। तो ऐसी जो जो चीज़ें आती हैं उनको हमने शॉर्ट आउट की। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसको रैंकिंग में देना उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आज मीटिंग थी, सब चीज़ें बताई है, तो निकट भविष्य में इसको देंगे तब ठीक रहेगा मुझे लगता है। होगा ये इस तरह की? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी अच्छा काम करेंगे हम, कलेक्टर साहब के निर्देश है कि उनको पुरस्कृत किया जाएगा, और जो लापरवाही करेंगे उनको एक्शन। वहीं अब ज़िले में डायवर्शन टैक्स वसूली को लेकर बड़ा अभियान चलेगा, जिसमें बड़े बकायेदार निशाने पर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर। आइडियलिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बीइंग टुडेज मॉडर्न गुरुकुल हैज द टीम ऑफ बेस्ट फैकल्टीज टू एंश्योर दैट दे प्रिपेयर देम टू बिकम इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स अलोंग विद कंप्लीट प्लेसमेंट असिस्टेंस एंड सपोर्ट फॉर एवरी स्टूडेंट to grow as the future of the nation. Idyllic Institute of Management.